लेकिन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हुई, और कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है जिसका जिक्र किया विकास दुबे को लेकर, विकास दुबे को लेकर का अभी भी कहते हैं सवाल उठाना तो जायज है, मैं अपने व्यूअर्स आप पे छोड़ता हूँ, ये मैं आप पर भी छोड़ता हूँ, और जरूर इस पर रिसर्च करिएगा, ये शोध का मामला है। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार के आया था, मुझे ध्यान में नहीं आता कि उनके विपक्ष ने उनसे कोई सबूत मांगे हो कि ओसामा बिन लादेन को आप कैसे मार के आए थे। शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको राजनीति से अलग रखना चाहिए, और आप अलग रखेंगे तो बेहतर है, लेकिन अगर आप गुंडे मवालियों पर आतंकियों पर भी इस तरह के सवाल पूछेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब राजकुमार भाटी और फिर शहजाद पूरा वाला, राजकुमार भाटी, क्योंकि राजकुमार भाटी क्यों मार देगा सर, आपकी उम्र हो हजारों साल, आपका बर्थडे हम मनाएंगे, किसी से भी कंपेयर कर देते हो? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये है, ओके राजकुमार भाटी, अब शहजाद पूरा वाला फिर आएंगे, राजकुमार भाटी पहले बोल ले, मैं कंचना जी आ रहा हूँ, राजकुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। शहजाद भाई ने अभी गुलाबी पेंट करने की कोशिश की कैनवास पे, बहुत बढ़िया सुंदर, और मुझे वो शेर याद आ गया आदम जी का कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। सच्चाई ये है कि माननीय मोदी जी के शासन में 10 वर्ष में, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ जाके चेक करना, इन 10 साल में मोदी जी के शासन में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, रुपए के डॉलर की कीमत 83 रुपये तक पहुँच गई है, पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर हैं, भुखमरी टॉप पर है, और जो ये कह रहे थे के हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स का आप नेट पे चेक करो, आजकल तो सबके हाथ में लाइब्रेरी है, हंगर इंडेक्स ऐसा नहीं होता कोई भेदभाव किया जाता जी, है। जी, जी। उसका पूरा सिस्टम है, और वो उससे तय होता है जो सरकार के खुद के आंकड़े वेबसाइट पे मौजूद हैं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे किस वजन के पैदा होते हैं, वो कितने साल तक जीते हैं, कितनी उनकी हाइट है, कितना उनका वजन है, इन सब चीजों से न्यूट्रिशन तय किया जाता है जी, कि पोषक तत्व कितने मिल रहे हैं, उसमें लगातार गिरते जा रहे हैं। हम जो है जो एक वो आता है खुश रहने का इंडेक्स आता है, लेकिन आप मुख्तार अंसारी पे शक क्यों कर रहे हैं, आपके आपके नेता मुख्तार अंसारी की मौत पे शक क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, अब आपने देखो विषय परिवर्तन कर दिया, यही खेल, एक मिनट विधायक जी इस देश में यही खेल चल रहा है, जब हम असली मुद्दे बीजेपी, बहुत शानदार ताली बजाइए इनके लिए, ये कह रहे हैं कि खेल हमने बदल दिया, नेता इनके बयान दे रहे हैं खेल मैंने बदल दिया, नेता इनके सवाल उठा रहे हैं खेल मैंने बदल दिया, विकास दुबे पे बोले आम आदमी पार्टी के विधायक खेल मैंने बदल दिया, आपका खेल खुद बिगड़ा हुआ है जी, तो बोला आप काम ही ऐसे करते हैं कि शक हो जाए, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी अचानक आके गोली लग जाती है, और किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, हो क्या रहा है आपके राज में भाई? इनसे पूछे, ये कह रहे कि ना विकास दुबे पर शक है, ये इस पे शक है, भाई इनको तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस पर भी शक था, इनको बालाकोट अटैक हुआ उस पर भी शक था, अरे पाकिस्तान भी मान गया परंतु आप मानने से इनकार कर रहे थे कि हमने घर में घुसकर मारा, और यही अंतर है कि आप सेना पर भी सवाल उठाते हैं, इंडिया पर भी सवाल उठाते हैं। इन्होंने अभी इनका कोट अनकोट इन्होंने कहा कि भावनाओं में बहना नहीं है, कानून के हिसाब से चलना है, बिल्कुल सही, मैं मानता हूं इनकी बात को, ये पहला ऑर्डर है जो जेल से पारित हुआ, मैं चाहता हूं कि ये बताए कि इस ऑर्डर को कैसे जारी किया गया ऑफिस ऑफ सीएमओ से, जब सीएम उस मंत्री से मिले नहीं, व्यक्तिगत रूप से, ये फर्स्ट ऑर्डर जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने लिखा पानी और सीवर की समस्या है, तो वो ऑर्डर कैसे सीएमओ से, जबकि सीएमओ के अधिकारी को कोई लेटर रिटर्न में नहीं दिया, और सरकार जो है वो रिटर्न में नोटिस पर चलती है, अब मैं इनसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि इस ऑर्डर पर ना डेट है, ना इस पे सीआर रेफरेंस नंबर होता है ना हर सरकारी लेटर पे, ना रेफरेंस नंबर है, सीधा सीधा इसका जवाब इधर उधर, क्या आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है? हाँ। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड बोले, अब मैं जानबूझ के पांचवा बोलूं, चार तो छूट गए। ये जो ऑर्डर आया था ये सीएम साहब ने रिटर्न भेजा था या वर्बल भेजा था? नहीं, सीएम साहब ने ये ऑर्डर दिया था, रिटर्न और वर्बल वो जाने, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर आपके जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो जो मुझे पता है मैं उतना दूंगा, जो नहीं पता जबरदस्ती को ऐसा बोल दूंगा फिर तुम लेकर मेरे भाई को उत्तर होगे। शक्ति पर बात हो रही है तो मैं बता दूं, बिहार में बीजेपी से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो लालू जी और उनकी बेटी पर क्या कहते हैं, बहुत खराब टिप्पणी करी है, किडनी लेकर टिकट दिया है, मैं कंडेम करती हूं इसको, बताइए पिता और पुत्री के रिश्ते को उन्होंने तार तार किया और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर रखे हैं, और उसी सम्राट चौधरी उसी लाइन को फॉलो करते हुए जदयू ने 16 टिकट बांटे हैं, एक भी टिकट फीमेल को नहीं है, महिला विरोधी चरित्र यहां सामने खड़ा है। देखिए जब आप शक्ति की बात करते हैं, एक बेटी अपने पिता के लिए किडनी दे रही है, एक बेटी अपने पिता के लिए किडनी दे रही है, उसको कहा जा रहा है कि किडनी के बदले उसको टिकट मिला है, ये शर्मसार करने वाला बयान है, इससे घिनौना बयान नहीं दे सकता बीजेपी नेता। रख दूं जी, मैं तो छोटा मामूली राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। अब पूरी बात सुन ले, संदेश खाली में जो घटनाएं हुई शाहजहां उसके लिए जिम्मेदार था, क्या उन्होंने ममता दीदी को करने, एक सेकंड, ये तो बयान था,
सम्राट चौधरी का अच्छी बात है, आप कंडेम कर रहे हैं जी। मैं आपको एकदम कंडेम कर रहा हूं। सम्राट चौधरी का बयान कंडेमनेबल था, मैं उसकी निंदा करता हूं, पर रेप हुए हिंदू महिलाओं के शाहजहां के द्वारा उसको बचाया गया, ममता दीदी ने बचाव किया, उसके ऊपर इनके अलायंस चुप। संदेश खाली के अलावा लाल सिंह जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कार को जस्टिफाई किया, कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, और कंगना रनौत पर सुप्रिया सिन्हा ने जो ट्वीट किया आज तक किसी ने उसको कंडेम नहीं किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं, ये उनका हकीकत है, नहीं ये उनका हकीकत है। 4 दिन हो गए अभी तक किसी ने, सुप्रिया सिन्हा ने साफ साफ कहा था कि ये एक घटिया टिप्पणी है, मैंने नहीं करी, मेरा हैंडल किसी इस देश में किसी भी महिला के साथ बुरा हो हम उसको कंडेम करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा। नहीं तेजस्वी बोले क्या, तेजस्वी ने स्टेटमेंट दिया था, संदेश खाली पर तेजस्वी का स्टेटमेंट दिखाइए मुझे, तेजस्वी का स्टेटमेंट दिखाइए। देखिए जो कंगना रनौत के लिए कहा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्रेस रिलीज ने कहा कि क्या भाव चल रहा है मंडी के अंदर, कंगना रनौत की फोटो लगाकर ये शर्मसार करने वाला बयान है। जो कंगना रनौत ने कहा था, जो कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा था, सॉफ्ट पॉन्ड वर्ड यूज किया था, वो भी पढ़िए, उसको भी कंडेम करिए, और आपका ट्विटर अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी चला, कोई और चला, उसको भी कंडेम करिए। बिल्कुल आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड है, चर्चा का आखिरी राउंड है, एक सेकंड। कंगना रनौत जब हमारी पार्टी में नहीं थी उसके उस बयान का भी मैं खंडन करता हूं, पर बताइए संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार हुआ, महिलाओं का बलात्कार को बचाने का काम हुआ, एक को ने ट्वीट किया, उल्टा खड़गे जी ने डिफेंड किया, मैं चार बार अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था संदेश खाली पे, नहीं किया। रुक जाओ तुम, चुप रहो। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था ब्रजभूषण सिंह पे, अरे भाई कार्रवाई कर दी, फ्रांस के ऊपर करते हैं, फ्रांस के ऊपर करते हैं, फ्रांस के ऊपर बोलते हैं, फ्रांस पे ट्वीट हो रहा है। हाँ, लेकिन ब्रजभूषण सिंह पे ट्वीट करा था नरेंद्र मोदी ने, अच्छा, वो लड़कियां जो जूते लेके खड़ी हो गई थी, जिन लड़कियों ने कह रुक जाओ, लड़कियों ने कह दिया कुछ नहीं कर पाते, कोई चुप नहीं बोल रहा, बताइए मेरा मानना है लड़कियों ने जो जूते उठा के रख दिए कि हम आपसे खेलेंगे नहीं, संदेश खाली में बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, ट्वीट किया संदेश खाली में बलात्कार हुआ, हम यहां खड़े होंगे, बार बार कह रहे हैं उनको फांसी दे दो, ममता दीदी ने बचाया उनको, विधानसभा में खड़ा होकर ममता दीदी ने शाहजहां शेख को क्लीन चिट दी, उसने ये करते हुए पुलिस में जाने का काम किया। बिल्कुल आखिरी दौर है, अच्छा ये सारी चीजें एक तरफ, और आखिरी राउंड है, और आखिरी राउंड के अंदर एक एक लाइन में आप सबको जवाब देना है, तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं कंचना जी, इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ रही हैं आपके अनुसार देश भर में? देखिए हम इनकी तरह हाथ के लकीर देखकर सीट नहीं बताते, 400 पार 500 पार, हम हकीकत की बात करते हैं, और हकीकत यह है कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में, ये हारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री हम उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, जनता डिसाइड करेगी, हम जनता पे छोड़ते हैं। ओके ओके, एक एक मेरा ईडी की समस्या थी, बहुत डर लगता था, बहुत परेशानी होती थी, सपने में भी ईडी सीबीआई आती थी, फिर डॉक्टर के पास गए कि क्या इलाज है, कि बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी सारे इलाज हो जाएंगे, तो समस्या यही है, इलाज करवा रहे हैं, ईडी का कोई केस नहीं है, सुनो आप अपने पास ना बीडी है ना पीडी है, तो ईडी क्यों आएगी अपने पास जी, तो मतलब केजरीवाल साहब की बात कुछ है, एक मिनट सुनिए मेरी बात को सुनिए। देखिए ऐसा है, मैं आज क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप देखिए लालू जी तेजस्वी तेजप्रताप को बनाना चाहते हैं, सोनिया जी राहुल और प्रियंका को बनाना चाहती है, मुलायम जी चाहते थे अखिलेश यादव बने, स्टालिन चाहते उदयनिधि बने, नरेंद्र मोदी चाहता है कि वो देश के बेटा और बेटी को बनाए, तो चुनाव सिर्फ इस बात पर है कि या आप देश के बेटा बेटी के लिए चाहते हैं या आप इनके बेटा बेटी के लिए चाहते हैं, और इसीलिए ये लोग नरेंद्र मोदी से लेकर सनातन शक्ति को गाली देते हैं, क्योंकि देश की तरक्की में इनको अपनी तरक्की नहीं दिखती है और अपनी लकीरें नहीं देख पाते हैं, तो देश की लकीरें बिगाड़ने के चक्कर में इस प्रकार का ये विवाद पैदा करते हैं, इसलिए किसी ने भी विकास का बात नहीं किया। तो फिलहाल ये देश है हमारा के एडिशन में इतना ही, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा, आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ा खदर आज से शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को सीधे चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन इस रैली में आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दलों के बीच वो तालमेल दिखाई नहीं दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आम आदमी पार्टी जहां पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने में जुटी थी, तो वहीं बाकी विपक्षी दल लोकतंत्र बचाने के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने में जुटे।
का अपराधीकरण किया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली के रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन के मंच से जो दावे, वादे और सवाल उठाए गए हैं, उन्हें देखने और सुनने के बाद कहा जा सकता है कि रामलीला मैदान का मंच अपने अपने हितों को साधने का अखाड़ा मात्र बनकर रह गया। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला लक्ष्य जेल में बंद केजरीवाल के मुद्दों को उठाना रहा, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट के नेताओं का दावा था कि वो रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं और यही संदेश जनता को दे रहे हैं। यहां आप पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुख्य मुद्दा बनाते हुए दिखी, जबकि बाकी दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ अखाड़ा हो। हम बयानों के आधार पर आपको दिखाने और समझाने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल 27 सियासी दलों ने मोदी सरकार के